अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर करते हैं। पाकिस्तान, तौहीन रिसालत में 3 मुल्ज़मीन को सजाए मौत। अमेरिका कैपिटल हल हंगामा, सदर ट्रंप के फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो बाइडेन की तकरीब हल बर्दारी तक मुअत्तिल। सऊदी अरब शाह सलमान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सरबरा शुमाली कोरिया। महाराष्ट्र के अस्पताल में आग, 10 शेरख्वार बच्चों की मौत। मरेंगे या जीतेंगे, मरकज की हट धर्मी पर किसान का रद्द अमल। मोदी ट्रंप दोस्ती का खामियाजा अब हिंदुस्तान को भुगतना होगा, कांग्रेस। यूपी, लव जिहाद मामला पर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमलों को रोकने के लिए रियासती और जिले सतह पर कमेटियां। शहर कड़पा की अहम सड़कों पर बल्दिया की जानिब से मूरियों को गैर जरूरी तोड़ा गया, जिसे जंगी खतूत पर तामिर करने का जिले कांग्रेस कमेटी का मुतालिबा। जिले कड़पा के मुख्तलिफ मुकामात पर सुख संदल की लकड़ियों के स्मगलरों पर पुलिस के धावे। मुमलिकत कोविड में आज आंध्र प्रदेश नॉन रेसिडेंस तेलुगु सोसाइटी की जानिब से APNRTS के डायरेक्टर BH इलियास से इजहार तशक्कुर और तहनियती जलसा। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। पाकिस्तान, तौहीन रिसालत में 3 मुल्ज़मीन को सजाए मौत। पाकिस्तानी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के इंसादात दहशतगर्दी की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए 3 मुल्ज़मान को सजाए मौत सुना दी। तौहीन अदालत के इल्ज़ाम पर इस अदालत ने एक और मुल्ज़िम को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। इंसादात दहशतगर्दी अदालत के फाजिल जज राजा जवाद अब्बास हुसैन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़ेर हिरासत 3 मुल्ज़मान अब्दुल वहीद, राना नुमान रफाकत और नासिर अहमद पर तौहीन रिसालत के इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए हैं। अमेरिका कैपिटल हल हंगामा, सदर ट्रंप के फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो बाइडेन की तकरीब हल बर्दारी तक मुअत्तिल। फेसबुक के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन की तकरीब हल बर्दारी तक मुअत्तिल रहेंगे। यह फैसला सदर ट्रंप के हामियों की जानिब से बुध को अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर हंगामी आरई के तनाजुर में किया गया। सऊदी अरब शाह सलमान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। खादिम हरमैन शरीफन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने जुमे को न्यूम में कोरोना वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगवाया है। सऊदी खबर रसा अदारे SPA के मुताबिक वजीर सेहत डॉक्टर तौफीकुल अरबिया ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सरबरा शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का कहना है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिकी सदर कोई भी हो, शुमाली कोरिया से मुताल्लुक पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक किम जोंग उन ने अपने एक बयान में कहा कि साम्राज्य मुखालिफ आज़ाद कुवतों के साथ ताल्लुकात और जौहरी सलाहियत को वस्त दी जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमे खारजा की जानिब से किम जोंग उन के बयान पर फौरी कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। वाज़ह है कि किम जोंग उन की तरफ से बयान इस वक्त दिया गया जब कुछ दिनों में बाइडेन अमेरिका की क़यादत संभालने वाले हैं। महाराष्ट्र के अस्पताल में आग, 10 शेरख्वार बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। भंडारा ज़िले के जनरल हॉस्पिटल में कल दरमियानी शब में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद 17 शेरख्वार बच्चों में से 10 की मौत हो गई और सिर्फ 7 बच्चे ही बच पाए। वाज़ह है इस आग से सबसे ज़्यादा मुतासर हस्पताल के न्यू बॉर्न केयर यूनिट हुआ, जिसकी वजह से इन शेरख्वार बच्चों की मौत वाकई हुई। यह हादसा रात के 2 बजे पेश आया और इतलात के मुताबिक यूनिट की नर्स को सबसे पहले इस आग के बारे में पता लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मरेंगे या जीतेंगे, मरकज की हट धर्मी पर किसान का रद्द अमल। मरकज की मोदी हुकूमत 3 मुतनाज़ ज़री कवानीन पर सरपरा एहतजाज किसानों को आज अपना वही राग सुनाया कि ये कवानीन ना मनसूख किए जा सकते हैं और ना ऐसा किया जाएगा। चुनांचे जुमा को दारुल हुकूमत के विज्ञान भवन में मुनक्किदा बातचीत का 8वां दौर मजीद गहरे तअत्तुल के साथ ख़त्म हो गया। बताया गया है कि बातचीत का अगला राउंड 15 जनवरी को तय किया गया है। एहतजाजी किसान
यूनियन से लगातार 8 मरतबा जब मरकज़ ने कहा कि वो तीनों मुतनाज़ ज़रई कवानीन मनसूख नहीं कर सकते और ना ही ऐसा करेंगे, पुरअज़्म किसान कायदीन ने अपना हौसला नहीं खोया। नाकाम बातचीत के बाद एक किसान लीडर ने कहा, हम मर जाएंगे या जीतेंगे। दस्तियों हज़ार किसान जायद अज़ एक माह से एहतजाज पर है और उनका मुतालबा है कि हुकूमत सितंबर में पार्लियामेंट के मंजूर अपने मवाफिक असलाहत ज़रई कवानीन को ख़त्म कर दें। मोदी ट्रंप दोस्ती का खामियाजा अब हिंदुस्तान को भुगतना होगा। कांग्रेस अमेरिकी जमहूरियत को तह व बला करने वाले गुज़िश्ता कल के वाक़े के ज़िम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप जैसे गैर जिम्मेदार शख्स के लिए लाखों रुपए खर्च करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया था, जबकि किसी दूसरे मुल्क के सदारती इंतखाबात के लिए इस तरह की रैली का इनेकाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ होती है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए खारजा पॉलिसी के तमाम उसूलों को बलाए ताक रखते हुए इस तरह की रैली का इनेकाद किया। अब चूंकि ट्रंप की शिकस्त पर मोहर लग चुकी है, इसलिए ट्रंप व मोदी की दोस्ती का खामियाजा मुस्तकबिल में हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। यूपी लव जिहाद मामले पर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला। अहल खाना समेत किसी को भी बालिग अफराद की शादीशुदा जिंदगी में गैर जरूरी मदाखलत का हक नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद से मुतालिक मामले पर एक अहम फैसला दिया। अदालत ने मुसलमान नौजवान से शादी करने वाली लड़की के नाम 3 लाख की FD कराने की हिदायत दी। अदालत ने खातून के शोहर को 3 लाख रुपए की FD लेने का हुक्म दिया। इस हुक्म के बाद शोहर को लड़की के नाम पर एक माह में 3 लाख की फिक्स डिपॉजिट जमा करवानी होगी। अदालत ने लड़की को माली तहफ़ देने के लिए ये अहम फैसला दिया। अदालत ने यह फैसला निकाहनामा में मेहर की रकम की मकदार का फी कम होने की वजह से दिया। अदालत ने अपने बयान में कहा कि मजहब तब्दील कराने और कुंबा की नाराज़गी दूर करने के लिए खातून को माली गारंटी देने का हुक्म दिया। आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमलों को रोकने के लिए रियासती और ज़िले सतह पर कमेटियां। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने हालिया अरसे में मंदिरों पर हमले के वाक़यात में इजाफा से निमटने के लिए जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने रियासती और ज़िले सतह पर फ़िरका वाराना हम आहंगी कमेटियों की तश्कील का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी आदित्यनाथ दास ने GOMS 6 जारी करते हुए कमेटियों की तश्कील का ऐलान किया। GO में कहा गया कि बास मफादात हासला मंदिरों पर हमला के जरिए फ़िरका वाराना तशद्दुद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हुकूमत का इमेज मुतासिर हो। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़े से निपटने के लिए हुकूमत सख्त इकदाम उठाएगी। फ़िरका वाराना मुनाफिरत से माशी और समाजी तरक्की पर पड़ने वाले असरात का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने रियासती और ज़िले सतह पर फ़िरका वाराना हम आहंगी कमेटियों की तश्कील का फैसला किया है। शहर कड़पा की अहम सड़कों पर बल्दिया की जानिब से मूरियों को गैर ज़रूरी तोड़ा गया, जिसे जंगी खतूत पर तामीर करने का ज़िले कांग्रेस कमेटी का मुतालबा। साबिका सदर ज़िले कांग्रेस कमेटी कड़पा नज़ीर अहमद, APCC जनरल सेक्रेटरी SA 70 ने आज शहर कड़पा के अहम सड़कों पर बल्दिया की जानिब से मूरियों के गैर ज़रूरी तरीके पर 4 माह पहले तोड़ा गया, जिससे आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद इन मूरियों में गिरकर ज़ख्मी भी हुए हैं। मूरियों की मरम्मत करने के नाम पर बल्दिया कड़पा लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता ने कहा कि 6 माह तक कोरोना वायरस लॉकडाउन से और फिर 3 माह तक निवार तूफान बंगावंका में पानी छोड़ने से आवाम पहले ही काफ़ी परेशान और मुश्किल का सामना कर रही है। ऐसे हालात में बल्दिया की ये कार्रवाई से व्यापारियों खसूस छोटे व्यापारियों में शदीद नाराज़गी है। व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, शहर के आवाम भी परेशान है। उन्होंने YSR कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये हुकूमत जो कड़पा को सिंगापुर बनाने की दावेदारी कर रहा है, कड़पा को कड़पा जैसा रखने की बजाय एक गंदी शहर में तब्दील करना चाहता है। नज़ीर अहमद ने हुकूमत से फौरी इन मूरियों की तामीर का मुतालिबा किया। ज़िले कड़पा के मुख्तलिफ मुकामात पर सुख संदल की लकड़ियों के स्मगलरों पर पुलिस के धावे। चेन्नई से बड़े स्मगलर भास्करन के अलावा कड़पा ज़िले के 16 स्मगलर गिरफ्तार। ज़िला SP कड़पा KKN अनुबुराजन ने यहां मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कड़पा ज़िले पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर धावे करके सुर्ख सैंडल की लकड़ियों की स्मगलिंग में मुलविस एक बड़े स्मगलर भास्करन के अलावा ज़िले कड़पा के ताल्लुक़ रखने वाले 16 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तहवील से 1.3 टन सुर्ख सैंडल की लकड़ी, 2 कीमती कार, 300 ग्राम सोना, 7 सेलफोन और 1 पिस्तौल को जब्त कर लिया। अनुबुराजन ने सुर्ख सैंडल की लकड़ी की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का इंतबाह दिया।
मुमलिकत कोइट में आज आंध्र प्रदेश नॉन रेसिडेंस तेलुगु सोसाइटी की जानिब से APNRTS के डायरेक्टर BH इलियास से इजहार तशक्कुर और तहनियती जलसा। मुमलिकत कोइट में लॉकडाउन के मौके पर आंध्र प्रदेश के तारिकीन वतन की मुश्किल हालात में इमदाद करने पर आंध्र प्रदेश नॉन रेसिडेंस तेलुगु सोसाइटी की जानिब से APNRTS के डायरेक्टर BH इलियास के एजाज़ में एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें कोरोना वायरस के लॉकडाउन के मौके पर उनके खिदमात की सताइश की गई और तहनियत पेश की गई। इस मौके पर इलियास ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने गैर मुमलिक में मुकीम आंध्र वालों के मसाइल हल करने के लिए ये अदारा कायम किया है। इस मौके पर जहां तक हो सके NRI अफराद के मसाइल को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कोइट में लॉकडाउन के मौके पर हुकूमत कोइट ने यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को जो अपनी मियाद पूरी होने के बावजूद गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे माफ़ी का ऐलान किया। ऐसे मौके पर सोसाइटी के अराकीन ने इंडियन एम्बेसी जाकर आउटपोस्ट तैयार करके उन्हें उनके मुल्क पहुंचाने का इंतजाम किया। इसके अलावा बेरोजगार अफराद में ज़रूरी अशिया भी पहुंचाई। इस मौके पर YSR कांग्रेस कन्वीनियर बाली रेड्डी, यूनाइटेड तेलुगु फोरम के सदर कोडूर वेंकट, दरगा रेड्डी, नशा रेड्डी, महेश्वर रेड्डी ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में नागराजू, उदय प्रकाश, सलीम, लक्ष्मी प्रसाद, शाह हुसैन, फयाजी खान, इरशाद और बड़े तादाद में आंध्र वालों ने शिरकत की। ये थे अब तक के ताजा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर।